11th of April 2023 और आज है नेशनल सेफ मदरहुड डे। बट वीडियो शुरू होने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Instagram चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये दिन बेसिकली इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है। ये डे मदर्स और एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन को स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस है कि मैटरनल डेथ और नियोनेटल डेथ के परसेंटेज को रिड्यूस किया जाए। अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो WRAI मतलब व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक पर्पस था कि इंडिया में मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स इनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा हर कोने में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी अटेंशन इस तरफ लाया जाए कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज भी है जहाँ मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन की कंडीशन बेटर नहीं है, उनके लिए ना मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपरली है ना ही कोई हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। तो WRAI के ही इनिशिएटिव की वजह से 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने 11th ऑफ अप्रैल जो कि कस्तूरबा गांधी जी का भी बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन को नेशनल सेफ मदरहुड डे के नाम से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। बिकॉज हम सभी को पता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस की वॉर में कस्तूरबा गांधी जी ने न ही केवल आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ के हिस्सा लिया, साथ ही साथ उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और साथ ही साथ सेफ मदरहुड के लिए काफ़ी सारा कैंपेन्स और एक्टिविटीज़ की थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल सेफ मदरहुड डे का बेसिक पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द नीड फॉर केयर, मेडिकल चेकअप्स एंड हेल्थ सपोर्ट टू एंश्योर द सेफ मदरहुड। तो इसी थॉटफुल इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ ही आज है 11th ऑफ अप्रैल 2023 और आज है नेशनल सेफ मदरहुड डे। इस दिन को सेलिब्रेट करना हमारा एक फर्ज है बिकॉज हम कहीं ना कहीं मदर्स के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं एंड वी ऑल रिस्पेक्ट देम। तो मदर्स और जो आने वाली मदर्स हैं उन सब के लिए इस डे को सेलिब्रेट कीजिए। हो सके जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ को अगर आप एक्सपैंड कर सकते हैं तो उनको एक्सपैंड कीजिए इंडिया के हर कोने तक, जिससे कि मदरहुड एक्सपीरियंस को एक लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस बनाया जा सके। तो इसी थॉटफुल नॉलेज के साथ और डेली ज्ञान के साथ फोकट का ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए।